तो बीबी क्रीम जो है वो मैंने इसमें महफूज कर ली है और ये ऐसे बंद हो जाएगी, ऊपर इसके स्पंज आ जाएगा। तो आप चाहे हाथ से एप्लीकेशन करें चाहे स्पंज से करें, और अगर आप चाहें तो इसको बेशक पम्प वाली बोतल में महफूज कर लें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। तो आज जो है वो मैं आपकी खिदमत में बहुत ही अच्छी जो है वो एक टिप लेके आई हूँ कि अगर हमारा फेस पाउडर वगैरह जो है वो टूट गया है तो उसे हम जो है वो घर में बीबी क्रीम कैसे तैयार कर सकते हैं। अगर नहीं भी टूटा तो फिर भी जो है वो हम उसका को क्रश करके कैसे बीबी क्रीम तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए उनमें सबसे पहले जो है वो हमें फेस पाउडर चाहिए। अगर आपका फेस पाउडर ख़त्म हो गया है तो उसको ऐसे क्रश करके किनारों से तो हम तोड़ के जो है इसमें ऐड कर सकते हैं। एक मेरा पास जो था वो फेस पाउडर जो था वो टूट गया था तो वो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो हमें कोई भी लोशन चाहिए, मॉइस्चराइजिंग क्रीम चाहिए तो मैं ये वाले यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा जो है वो हमें टोनर चाहिए। अगर आपके पास कोई अच्छा टोनर नहीं है तो आप इसकी जगह जो है वो रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो भी बहुत अच्छा टोनर है। इसके अलावा हमें क्रीम चाहिए, कोई भी क्रीम हम यूज़ कर सकते हैं जो हम रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो बीबी क्रीम जो है वो हमारा मुंह स्मूथ नज़र आए, हमारे पोर्स जो हैं वो क्लोज नज़र आए, उसके लिए जो है वो हमें एक जो है वो अच्छा सा प्राइमर चाहिए, किसी भी कंपनी का मेकअप प्राइमर, ठीक है। और हमें एक डिब्बी चाहिए जिसके अंदर हम महफूज कर लें। और हमें विटामिन ई के कैप्सूल चाहिए जो कि ना सिर्फ आपके फेस को कवरेज देगी बल्कि साथ साथ जो आपके कलर को आहिस्ता आहिस्ता फेयर भी करेगी। आप किसी भी शॉप से जो है वो विटामिन ई के कैप्सूल ले सकते हैं किसी भी कंपनी के। और एक जार चाहिए, एक सीजर चाहिए। और चलें जी अपनी बीबी क्रीम लाना स्टार्ट करते हैं। चलें जी, ये जो सारा क्रश पाउडर है मैं इसके अंदर शामिल कर लूँगी, सारा जो है वो मैं इसके अंदर शामिल कर लूँगी स्पून की मदद से। सारा जो है वो मैं इसमें शामिल करके दूसरा भी मैं क्रश करके शामिल करके फिर आपको दिखाती हूँ जी। तो देखिए मैंने सारा जो है वो पाउडर शामिल कर लिया है, ये डिब्बियाँ जो हैं वो खाली हो चुकी हैं। तो अब जो है वो हम क्या करेंगे, इसको अच्छे तरीके से ऐसे क्रश कर लेंगे, इनको हम साइड पर कर देंगे। इस पाउडर को जो है वो हम अच्छे तरीके से क्रश कर लेंगे ताकि इसका जो एक स्मूथ सा मिक्सचर तैयार हो जाए। जितने भी क्लोड्स हैं इनको हम ऐसे ही दबा दबा के खत्म कर लेंगे। चलें जी, इनको मैं अच्छे तरीके से स्मूथ करके आपको दिखाती हूँ जी। तो हमारा जो है वो पाउडर जो है वो तैयार हो चुका है। अब हम इसके अंदर क्या शामिल करेंगे, अब हम इसके अंदर जो है वो हमने क्रीम ली थी वो शामिल करेंगे। इतना आपने चम्मच लेना है और अपने पाउडर के हिसाब से जो है वो क्रीम शामिल कर देनी। मैं इसमें जो है वो आधा चम्मच जो है वो क्रीम शामिल करूँगी। ये देखें जी, क्रीम हो गई है, अब मैं इसको शामिल करती हूँ। जी तो क्रीम मैंने शामिल कर ली है, क्रीम आप कोई सी भी शामिल कर सकते हैं। आप इसको इसके अंदर मिक्स करेंगे। इसको अच्छे तरीके से जो है वो इसके अंदर मिक्स कर लेना है। अब क्या करेंगे, अब जो है वो हम इसके अंदर जो हमने मॉइस्चराइज़र लिया था वो ऐड करेंगे। तकरीबन एक स्पून जो है वो पूरा भर के इसके अंदर ऐड कर देंगे।
जितने भी फेस पाउडर ख़त्म हो जाएं, ऐसे रह जाए एंड पे, जहाँ कोई टूट जाए तो आप तैयार कर सकते हैं। और वह ऐसे भी अगर आप बेबी क्रीम का काम करना चाहते हैं तो आप फेस पाउडर लें कोई अच्छी सी कंपनी का, और जो है वो बेबी क्रीम्स तैयार करके तो उनको सेल करें। मॉइस्चराइज़र जो है वो हमने ऐड कर लिया है, वो अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है, ठीक है जी। इसकी साइड्स को हम अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे। अब क्या करेंगे, अब जो है वो हम इसके अंदर प्राइमर ऐड करेंगे, आधा स्पून तकरीबन हम इसके अंदर प्राइमर ऐड कर लेंगे। अगर आप इसको बीबी फॉर्म में नहीं लेके आना चाहते तो इस स्टेप पे बस हम रोक देंगे तो हमारा अच्छा सा फाउंडेशन तैयार हो जाएगा, लेकिन मैं जो है वो बीबी क्रीम तैयार कर रही हूँ तो मैं इसको ज़रा पतला रखूँगी इसकी कंसिस्टेंसी। तो ये अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है वो विटामिन ई का जो कैप्सूल था वो हम काट लेंगे और इसके अंदर एंटर कर लेंगे। इसको मैं खोलूंगी, इसको काटूंगी, और सारा जो है वो इसके अंदर ऐड कर दूंगी। सारा इस मिक्सचर के अंदर ऐड कर दूंगी। अब बारी आती है टोनर की। हम कोई सा टोनर भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी हमारे स्किन को सूथ करता है। और इसके अलावा अगर आपके पास टोनर नहीं है किसी कंपनी का तो जो रोज़ वाटर है वो भी एज अ टोनर बहुत अच्छा है, उसको ऐड करेंगे। अब हम टोनर इतना ऐड करेंगे जितनी हमें इसकी चाहिए, जितना हमने इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। तो पहले मैं आहिस्ता आहिस्ता ऐड करूँगी और देखूँगी मुझे कितनी चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मैं ऐड करती जाऊँगी। थोड़ा सा मैं और ऐड करूंगी। इसको हमने इस फॉर्म में ले आना है कि ये बीबी क्रीम की फॉर्म में आ जाए, जितनी बीबी क्रीम पतली होती है उतनी इसकी कंसिस्टेंसी हो जाए। थोड़ा सा और आपने ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता डाल के इसको चेक करते रहना है और मिलाते रहना है, एक दफ़ा ही ऐड नहीं करना। थोड़ा सा और बस, जी। तो ये देखें इस कंसिस्टेंसी में जो है वो हमारी बीबी क्रीम तैयार हो जाएगी। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करती हूँ और आपके सामने जो है वो हाजिर होती हूँ। जी तो हमारी बीबी क्रीम जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी है। इसको ही साइड साफ़ कर लेनी है और इसको इतना मिक्स करना है कि इसके जो है वो क्लाम्स इसके अंदर कुछ भी ना रहे, ठीक है। अब मैं इसको आपको इसकी एप्लीकेशन करके दिखाती हूँ। थोड़ी सी हम लेंगे और बाजू पे हम जो है वो अप्लाई करेंगे थोड़ी सी, और पता नहीं आपको साफ़ नज़र आ रहा है कि नहीं, ये देखें। ये देखें इसके शाइनेस देखें, और देखें ये कितनी अच्छी जो है वो बीबी क्रीम तैयार हो चुकी है। ये देखें ये आपके फेस पे शाइन भी देगी और आपको बहुत अच्छी जो है वो कवरेज भी देगी। तो अब जो है वो मैं इसको किसी भी डिब्बी में महफूज कर लूँगी, बेशक मैं इसको इसके अंदर महफूज कर लूँ इसके नीचे वाले हिस्से में,
अगर आपने फिंगर से अप्लाई करनी है, अगर आप चाहें तो ऐसी स्प्रे बोतल में भी इसको महफूज कर सकते हैं। चलें जी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। कीप सपोर्टिंग, अल्लाह हाफिज़।